वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड ग्रुपिंग। चैप्टर नंबर 18 क्लास 11 बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ये टॉपिक है। ब्लड ग्रुपिंग में हमको क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है। जैसे कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सबके अंदर रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है, सबके अंदर सेम ब्लड होता है, स्टिल हम लोग डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड तो सेम होता है बट ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड क्या होता है का ये हमको अब समझना है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमें पढ़ने हैं ब्लड ग्रुपिंग, हमें टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है। हमें पढ़नी है एक ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग और सेकेंड रहेगी आपकी आर एच ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग पहले हम पढ़ते हैं, इसके लिए एक वीडियो रहेगा, देन आर एच ब्लड ग्रुपिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमको ये पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। अब ब्लड ग्रुप बोला गया है तो ब्लड को अलग अलग ग्रुप में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसकी कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़े थे, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसी होती है एंड प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ओनली आरबीसी को याद रखो। अभी ये ले ली मैंने क्या, एक आरबीसी। आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी एक सेल है, रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं। वो राउंड शेप नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव, थोड़ा सा ओवल शेप की ये आरबीसी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर, इस सेल का कलर रेड होता है और ये सेल्स हमारे ब्लड के अंदर मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला ऐड रखो, दिमाग में याद रखो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या होते हैं, हम लोग अगर जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर हर चीज, जो भी बॉडी पार्ट है उसको कुछ इंग्रेडिएंट से वो बना होता है, कुछ चीजों से बना होता है और वो होते हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स। तो आपको ये याद रखने हैं जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, या फैट्स होगा, लिपिड्स होगा। इन सब चीजों में से ही हमारी बॉडी बनी होती है और यही चीजों को हम फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में खाते हैं और इसी से हम अपने इनको बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं और इनमें से एनर्जी को निकालते हैं, हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आरबीसी सेल है, इसके जो सब्सटेंस ऊपर चिपके हुए हैं, ये भी कोई एक बायोमोलिक्यूल से बना होगा या मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल से बना होगा, ठीक है। ये जो आरबीसी होती है इसकी होती है क्या, मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी मेम्ब्रेन बनी होती है किससे, लिपिड से, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है इसकी। और जो ये सब्सटेंस होते हैं ये होते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड, यानी कि ग्लाइको हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट और लिपिड हो गया आपका लिपिड वाला पार्ट। इसका मतलब ये दो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं मिलकर कुछ सब्सटेंस बनाते हैं और वो सब्सटेंस इसके ऊपर चिपक जाता है आरबीसी पे। अब इसको हम ग्लाइकोलिपिड नहीं बोलेंगे, इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लिपिड भी नहीं बोलेंगे, इसको हम सब्सटेंस भी नहीं बोलेंगे, इसको हम अलग ही नाम देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस डब्ल्यूबीसी पे प्रेजेंट नहीं होते, ना प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट होते होंगे, तो इनका नाम दिया गया है क्या, एंटीजन। फाइन, एक और नाम याद हो गया आपको, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, उसके ऊपर प्रेजेंट क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। अब आप सोचोगे कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना, एंटीबॉडी। अब आप सोचोगे कि ये एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे जो एंटीजेंस होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, कभी कभी ये प्रोटीन्स भी इन नेचर हो सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन्स के कुछ पार्ट्स, कुछ अमाइनो एसिड्स भी अटैच हो सकते हैं किसी सेल के ऊपर या प्रेजेंट हो सकते हैं हमारी बॉडी में और वो काम कर सकते हैं एज ए एंटीजन। अगर कोई भी पार्टिकल एक बोलता है कि मैं एंटीजन हूं तो उसका केवल एक ही काम है, उसका काम है एंटीबॉडी का बनाना। अब एंटीबॉडी क्या होती है, बस इतना याद रखो, ये जो वाई है, वाई फॉर याक जो होता है, ये वाई एंटीबॉडी ही है, यानी कि जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप का होता है। इसका क्या काम है, देखो आपने ये चीज सुनी है, ताला चाबी जो हर किसी के घर में होता है,
क्या आपके घर में केवल ताला प्रेजेंट है और चाबी नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, चाहे इंटरलॉक भी क्यों ना हो तब भी उसकी चाबी जरूर होती है कि, ठीक है। क्या आपके घर में ओनली की प्रेजेंट है और लॉक प्रेजेंट नहीं है, ऐसा होता है किसी के घर में? ऐसा भी नहीं होता। ताला है तो चाबी है, चाबी है तो ताला है। उसी तरीके से एंटीजन है तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है तो एंटीजन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर एक एंटीजन है तो उसको अटैच करने के लिए एक एंटीबॉडी आएगी, और ये दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जब ये इस पे बाइंड हो जाती है तब क्या होता है, ये एंटीबॉडी इस वाले एंटीजन को या तो मार देती है या दूसरे सेल्स को बुला लेती है ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं कि आओ इस एंटीजन को मारना है। अब आप सोचोगे कि ये एंटीजन को क्यों मारना है, क्योंकि देखो ये आरबीसी पे प्रेजेंट था तो ये मेरा एंटीजन था, मेरे सेल का एंटीजन था, मेरी आरबीसी का एंटीजन था, तो मैं इसको नहीं मारूंगी ना मेरी कोई एंटीबॉडी इसको मारेगी। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर घूमने गई, मैंने कोई चीज टच कर ली, उस पर एक वायरस था जो कि सर्दी जुखाम होता है जिससे, और वो टच हो गया मेरी उंगली में, मेरी आगे उंगलियों के अंदर वो वायरस, उस उंगली से उस हाथ से मैंने अपने चेहरे को रब कर लिया तो वो मेरे चेहरे के ऊपर वायरस आ चुका है। अब वो मैंने सांस लिए तो मेरी सांस से अंदर चला गया। अब ये जो वायरस है मेरी बॉडी के अंदर चला गया है, ये क्या है? ये भी तो किसी चीज से बना होगा, या तो प्रोटीन का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, किसी चीज का ही वायरस बना होगा, कोई बायोमोलिक्यूल का। अगर ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा या आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या यूजफुल है? नहीं, ये कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में गलत करेगा, ठीक है। जैसे ये गलत करेगा तो इसको मारने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट, वो मेरे पास प्रेजेंट क्या रहती है, एंटीबॉडी। तो ये वायरस क्या काम करता है, एज ए एंटीजन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर करके आपको कोई भी तरह की डिसीज कॉज कर सकता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। लेकिन ऐसे एंटीजन्स जो मेरी बॉडी के, हमारी ओन बॉडी के ओन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं कौन से, सेल्फ एंटीजन्स। तो एंटीजन्स कितने टाइप के हो गए, एक हो गया सेल्फ जो बिल्कुल नॉन हार्मिंग है, हमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एक होते हैं कौन से, फॉरेन एंटीजन, जो अक्सर यानी कि मैक्सिमम टाइम आप 99% मान के चलो फॉरेन एंटीजन जो होते हैं वो डिसीज कॉजिंग होते हैं। हम फॉरेन जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो आपके किसी खाने में प्रेजेंट हो, खराब खाना खाने से हो गया हो, तो वो जो भी आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा हार्मफुल इफेक्ट, उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। और उससे लड़ने के लिए मेरी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो ब्लड होता है उसकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और इसी एंटीजन के प्रेजेंट होने से, एब्सेंट होने से मेरा ब्लड ग्रुप या आपका ब्लड ग्रुप, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये समझते हैं कि जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, जिसको मैंने पहले सब्सटेंस बोला था, ये एंटीजन कितने प्रेजेंट है। एक आरबीसी के ऊपर दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक एंटीजन हो सकता है ए, एक एंटीजन हो सकता है बी। तो अब फिर चार चांसेस हैं, कैसे, या तो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, या आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, या आरबीसी के ऊपर ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे, या आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग की आरबीसी के ऊपर, अगर आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है ओनली, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर ह्यूमन बीइंग की आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन, द ह्यूमन ब्लड ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप वाले, ए बी ब्लड ग्रुप वाले, और ओ ब्लड ग्रुप वाले। फिर आपने सुना होगा यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड, और ए बी जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, रेसिपियंट होता है, वो किसी से भी ले सकता है। ये वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया आपको एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, इसके बेसिस पे, एंटीजन के बेसिस पे, एंटीबॉडी की नहीं, एंटीजन के बेसिस पे ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं।
अब हम समझेंगे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कब डेथ हो जाती है और क्यों हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम समझेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुपिंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर गलत ट्रांसफ्यूजन होने से किसी भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। देखो यहाँ पर मैंने पहले बता दिए चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो उसका एंटीजन क्या होगा आरबीसी पे, ए एंटीजन। बी वाला है तो बी एंटीजन होगा। ए बी यानी कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और ओ एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक ह्यूमन यानी कि ये एक आदमी है, ठीक है, एक कार्टून सा बना हुआ है, उसके अंदर ब्लड भी प्रेजेंट होगा, होगा प्रेजेंट, ब्लड के अंदर आरबीसी होगी, होगी। ये बना दी मैंने एक ओवल शेप की आरबीसी। आरबीसी पे क्या हो सकता है, या तो ए एंटीजन हो सकता है, बी एंटीजन हो सकता है, ए बी हो सकता है, या एक भी एंटीजन नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं इसके ऊपर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर मैं बोलूं इसका एंटीजन बी एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यहां पर मैं इस तरीके से बना देती हूँ, सपोज ये एंटीजन ए होता है, ठीक है, और ये होता है एंटीजन बी, कुछ इस तरह का मैंने शेप बना दिया, दो अलग अलग हो गए। और ए बी में क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, और ओ के अंदर दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। यहां पर मैं लेकर चल रही हूं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है इसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी में, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, सपोज मैंने ये बना दिया ब्लड, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को समझने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने ये ब्लड बनाया। अब ये ब्लैक कलर वाला पार्ट जो है ये ब्लड हो गया, और जो अंदर ग्रीन कलर है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लाज्मा। हमने पढ़ा था ब्लड की कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी होती है, और ये सब मिक्स होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, सेपरेट नहीं होते, हम लोग को समझने के लिए हम उसको सेपरेट बनाते हैं। तो इसी प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। मैंने बना दी यहां पर ये रही आरबीसी, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। तो ये हो गया इस ह्यूमन बीइंग का ब्लड, उसका प्लाज्मा, और वहीं पे प्रेजेंट है आरबीसी जिसके ऊपर ए एंटीजन है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी भी होती है, तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटीबॉडी भी होगी। एंटीबॉडी कहां पर होगी वो इंपॉर्टेंट है, और कौन सी होगी वो इंपॉर्टेंट है। कहां पर होगी, तो ये प्रेजेंट होगी प्लाज्मा के अंदर, सीरम के अंदर। कहां पर, सीरम में। अब सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, जो पार्ट बचता है वो सीरम होता है, और उसी सीरम लिक्विड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये वाई शेप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो उसके पास में जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। कौन सी होगी, बी होगी। इसकी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, ए और ए हो जाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगे लॉक एंड की तरह, और जैसे ही अगर अटैच हो गए तो क्या हो जाएगा, वहां पर फाइट हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे अगर डिस्ट्रॉय होते रहेंगे खुद के सेल्स तो एक दिन वो इंसान खुद ही मर जाएगा। तो अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। इतना सिंपल है, बस ऐसे याद कर लो, ए है तो बी होगी, बी है तो ए होगा, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी, सीरम में। ब्लड के अंदर तो पूरी जगह आरबीसी प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा में जब क्लॉटिंग फैक्टर्स वाला पार्ट अलग कर दो, उस पार्ट के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहां पर मैंने क्या बना दी, ये एक एंटीबॉडी बन दी, इसी ह्यूमन बीइंग की एंटीबॉडी है, इसका नाम है क्या, एंटी बी, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ क्या, अगर किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो उसके पास सीरम में एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके ऊपर आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन, लेकिन उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए, अपोजिट एंटी ए। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी,
कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, निल, नो एंटीबॉडी, ठीक है। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग में के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो उसके पास में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है या पार्ट है, ये रट लो, ये याद रख लो, ये दो तो इजीली याद हो जाएंगे, ए है तो बी होगा, बी है तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कहाँ होगी, सीरम में ही होगी। तो यहाँ पे लिख लो ये सीरम, और ये हो गया आपकी ब्लड की आरबीसी के ऊपर। ओवरऑल तो पूरा ब्लड में ही प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी अलग अलग जगह है, इसलिए आपको ब्लड आरबीसी सीरम याद करना है, ठीक है। ए बी का याद करने के लिए कैसा, इसके पास में दोनों चीजें तो दूसरी जगह पर तुम्हें खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों दोनों हाथों में आपके चीजें रहेंगी। फिर अगर हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास में, भाई कोई भी एंटीजन नहीं, तो भाई उसको एंटीबॉडी दे दो, देना है तो फिर दोनों ही देने पड़े, क्योंकि दोनों ही नहीं है उसके पास में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, ये ए वाले के बारे में बात करूं, ए ब्लड ग्रुप है ये इंसान का, यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक छोटा सा ये, ठीक है। ये एक बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसकी बॉडी के अंदर ए एंटीजन वाली आरबीसी घूम रही है और एंटी बी वाली क्या घूम रही है, एंटी बॉडी घूम रही है, ये एंटी बॉडी घूम रही है, ठीक है। अब इसको मैंने ए वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया मैंने, बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। इतना तो सबको पता होता है कि ए वाले को बी वाला चढ़ा दो तो डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है पता नहीं, और क्या हो जाता है, डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, क्लंपिंग हो जाती है, ये सबको पता है, ठीक है। क्लंपिंग हो गई तो डेथ हो गई, किसकी क्लंपिंग हो गई, अरे आरबीसी की क्लंपिंग हो गई, तो इसका भी तो ब्लड गया, इसका भी ब्लड गया, कौन से ब्लड में क्लंपिंग हो गई, हमें तो कितने सारे कंपोनेंट्स पड़े। यही वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, ये जो ए वाला है ना, ये इसका ब्लड है, ठीक है, ये इसका ही है, इसी की आरबीसी है, यहाँ पर और सारी बना देते हैं, ठीक है। और इसके पास में एंटीबॉडी कौन सी है, बी प्रेजेंट है। अब इसके पास में कौन आ गया, ये बी ब्लड ग्रुप आ गया, बी वाला जब आएगा तो बी सेल्स आएंगे इसके पास में, यहाँ पर आरबीसी कौन आएंगी, जो बी एंटीजन लेके आएंगी, और कौन सी एंटीबॉडी आ जाएगी, ए एंटीबॉडी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ए एंटीबॉडी। अगर इसके अंदर मेरी ए एंटीबॉडी घुस गई तो यहाँ पे जो आरबीसी मेरी ज्यादा है, यहाँ पे अगर ये इंसान है, मान के चलो इसके अंदर कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड बोलते हैं, हमारे अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन चढ़ाते कितना है आपको, कुछ ग्राम्स में, मान के चलो 200 ml ब्लड चढ़ा दिया आपको, कितना, 200 ml बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। किसको चढ़ा दिया, जिसके पास ऑलरेडी 5 लीटर ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा था। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है, जो ये इंसान है ए ब्लड ग्रुप वाला, उसके पास 5 लीटर ब्लड है उसकी बॉडी में, लेकिन उसको चढ़ाया गया है 200 ml केवल बी ब्लड ग्रुप वाला। तो इसके पास में तो बहुत सारी आरबीसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन है, लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप का चढ़ाया ना, बी यहाँ पर इस 200 ml के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट थी, और ये एंटीबॉडी इस वाले की, ए वाले की एंटीजन से आरबीसी पे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी आरबीसी है ना, ये वाली आरबीसी, ये जो आरबीसी है, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, ये बी एंटीबॉडी आकर चिपक जाएगी। जैसे ये चिपकेगी क्या हो गई, क्लंपिंग हो गई, क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्लंपिंग हो गई, क्लॉग हो जाएगा, और वो ब्लड मूव नहीं होगा, इसी वजह से ए वाले की डेथ हो जाती है, बी वाले को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो ए ब्लड ग्रुप वाले की डेथ हो जाती है। ए ब्लड ग्रुप वाले की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले की जो आरबीसी होती है वो बी ब्लड ग्रुप वाले की एंटीबॉडी से जाके क्लंप अटैच हो जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, क्लंपिंग हो जाती है, क्लॉट बन जाता है, इसलिए ए वाला पर्सन की डेथ हो जाती है। सेम केस होता है बी वाले के साथ में, अगर ये बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान को ए वाली ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसके पास अभी 5 लीटर ब्लड है और इससे हमने 100 ml 200 ml 300 ml ही लिया ना, 5 का 5 लीटर तो ले नहीं लेंगे किसी से, हम कुछ एमएल्स में लेंगे, तो क्या होगा, जैसे अगर ए का बी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
इसकी जो ये आरबीसी पे ये एंटीजन था ना, ये वाली एंटीबॉडी इसके साथ में जुड़ जाएगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन के अंदर ध्यान दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की जरूरत है तो इसको मैं कौन सा ब्लड दे सकती हूँ, अगर मैं ए को ए ही दे दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ब्लड ग्रुप वाले को ए दे दिया तो सेम आरबीसी ए एंटीजन वाली आ जाएंगी और एंटीबॉडी बी वाली प्रेजेंट होंगी, तो जैसा था वैसा का वैसे ही दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लंपिंग नहीं होगी, बी दे देंगे तो क्लंपिंग हो जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कि हमने देख लिया कि एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप में, अगर हम बात करें आरबीसी के ऊपर, और एंटीबॉडीज कहाँ होती है सीरम में। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें हमने चार ब्लड ग्रुप्स पढ़े हैं ए बी ए बी एंड ओ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसकी, आरएच ग्रुपिंग सिस्टम की।